Hello, I'm Seema and welcome to the Hindi version of part 42 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. हम पिछली वीडियो में क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि कैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिटरमिन करते हैं और फिर उनकी मास परसेंटेजेस को कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब इस वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि नाइट्रोजन को हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि नाइट्रोजन कितना है कंपाउंड में और उसको उसकी मास परसेंटेज हम कैसे पहली बात तो कि हमने डिटरमिन किया क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी मास परसेंटेज क्या है कंपाउंड में, वो हम पता करने के लिए ये मेथड नाइट्रोजन का डिटर्मिनेशन करते हैं क्वांटिटेटिवली। अब नाइट्रोजन का डिटर्मिनेशन जो हम क्वांटिटेटिवली करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक है डूमर्स मेथड और दूसरा है जेल्डाल्स मेथड। इस वीडियो में हम डूमर्स मेथड डिस्कस करेंगे, तो हम आते हैं सीधे डूमर्स मेथड पे। आपको याद है कि कल हमने जब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को डिटर्मिन किया था तो हमने एक कंबस्टन ट्यूब में कंपाउंड लिया, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से उसे पास किया था, लेकिन हमने एक्सेस ऑक्सीजन लिया क्योंकि हमें कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने थे और उन ऑक्साइड्स को लेके हमें मतलब जो ऑक्साइड्स कन्वर्ट हमें उसे उन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने एक्सेस ऑक्सीजन प्योर ड्राई ऑक्सीजन यूज किया था। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि हम फिर से एक कंबस्टन ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में हम डिफरेंट लेयर्स एक पूरा ग्रिड बना देते हैं और वो उस ग्रिड में हम कॉपर ऑक्साइड को अच्छे से फैला देते हैं, लेकिन हम उसकी जो हीटिंग है वो ऑक्सीजन में ना करके कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में उसे हीट करते हैं और ये देखिए पूरा ग्रिड जो है इसमें कॉपर ऑक्साइड गॉज है, इसमें कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर इसमें कोर्स कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर है, फिर उसमें रिड्यूस कॉपर गॉज की एक लेयर है। तो इस तरह से हम पूरे कॉलम में कॉपर ऑक्साइड को डाल देते हैं अलॉन्ग विद द कंपाउंड और उसको एड करने का रीजन ये है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो इस कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इस कार्बन और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने में। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं कि कंपाउंड इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है और किस एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में। इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उस पे हम आते हैं, जैसे हम ये इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगी आप देखेंगे कि इसमें हमें फ्री नाइट्रोजन गैस मिलती है। अब एज्यूम करो कि आपका कंपाउंड है CXHY और NZ। ठीक है, अब हमने इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं और Z नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं और कॉपर ऑक्साइड है जिसने सारे ऑक्सीजन देने हैं और जब कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O, CO2 H2O। इसका मतलब एक कार्बन को दो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन देने हैं ना, तो हर कार्बन को कितने ऑक्सीजन चाहिए, हर कार्बन को दो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए अगर X नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो उसको कितने कॉपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीजन देने के लिए, 2X, है ना। तो 2X नंबर ऑफ कॉपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए कार्बन को क्योंकि 2X को उसने CO2 में कन्वर्ट करना है। कार्बन X को CO2 में कन्वर्ट करना है तो X number of CO2 molecules will be formed. X number of CO2 molecules बनेंगे। HY है, ठीक है? H में, अब H जब oxidize होगा तो क्या बनेगा, water molecule। अगर water molecule बनेगा तो H2O, दो hydrogens और एक oxygen, ठीक है? तो दो hydrogens को एक oxygen चाहिए, so दो Ys को एक ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए, अगर वाई हाइड्रोजन हैं तो वाई बाई टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वाटर बनाने के लिए। तो इसलिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड कितना हुआ, 2x कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए और वाई बाई टू हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 गैस बनाएगा, तो मतलब अगर हर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स होने चाहिए, अगर Z नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है तो कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, Z/2 या Z by 2, ठीक है, तो Z by 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और अब देखो इसे CXHY NZ
के साथ कितने कॉपर ऑक्साइड चाहिए, 2x कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, y बाई 2 हाइड्रोजन को करने के लिए कॉपर ऑक्साइड चाहिए, और बनेगा क्या, x नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस y बाई 2 वॉटर बनेगा और z बाई 2 नाइट्रोजन बनेगा, और जो ये सारे 2x प्लस y बाई 2 हर कॉपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल ने एक एक ऑक्सीजन दिया, उतने ही कॉपर एटम्स भी तो हैं, तो वो अल्टीमेटली कॉपर बन जाएगा। तो वो आपको कितने मिलेंगे कॉपर, 2x प्लस y बाई 2, सारे का सारा कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको कॉपर की तरह मिल जाएगा, और ये रिड्यूस्ड कॉपर जो है इस रिड्यूस्ड कॉपर गॉज में ही रह जाएगा। एंड में जो रिड्यूस्ड कॉपर बनता है ये अब इसमें से निकल के नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, रिड्यूस्ड कॉपर गॉज लग देते हैं ताकि उसके साथ ही चिपक कर वो वहीं पे रह जाए। अब हमारे पास क्या क्या है प्रोडक्ट्स जो हिल सकते हैं, हमारे पास वाटर है जो वाटर वेपर की तरह है क्योंकि ये फर्नेस के अंदर है, तो आपको वाटर वेपर मिलेगा या स्टीम यू कुड से, एंड ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन तीन गैसेस हैं जो अब इसमें से इस एपरेटस में से बाहर निकलेगी। ठीक है, जब तीन गैसेस इस एपरेटस में से बाहर निकलेंगी, हमारे पास एक स्पेशल एपरेटस होता है जो एक ट्यूब जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोमीटर। नाइट्रोमीटर में क्या होता है, कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है, कैलिब्रेटेड मतलब जिसमें निशान लगे होते हैं कि मेजरमेंट के, एक कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है और उसके अंदर हम एक सील लगा देते हैं मर्कुरी की, उसके अंदर मर्कुरी भर देते हैं बॉटम में, और मर्कुरी सील यहां तक जाती है वो इसलिए कि जो भी इसमें प्रेजेंट है, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, वो गैस होगी तो वो तो ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन लिक्विड जो है वो यहां से वापस नहीं जा सकता। मर्कुरी एक लिक्विड मेटल है और उसका एक ऐसा मेनिस्कस होता है, तो वो रोकेगा किसी भी लिक्विड को उसके अंदर जाने से, तो कोई भी चीज जो है वो वापस, लिक्विड जो है वो वापस नहीं जाएगा, इसलिए हम उसमें एक मर्कुरी सील लगा देते हैं। और इस ट्यूब में हम क्या भर देते हैं, हम पूरी तरह से भर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि पोटेशियम, पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को टोटली डिसॉल्व कर लेता है, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके वहीं पे रह जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, वाटर और नाइट्रोजन। तो जो वाटर है, कुछ वाटर तो जो स्टीम आई यहां पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ठंडा था तो उसमें कुछ वाटर तो वहीं डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होगी कि वो स्टीम की तरह ही रहे, तो इसलिए वो भी एस्केप होके ऊपर आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने इसे पूरा भर के रखा हुआ था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, एक ट्यूब हम ये बाहर रखते हैं जिसमें एक वेसल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, वो किस लिए, और इसका देखो माउथ जो है वो ओपन है, खुला हुआ है, तो इसको ऊपर से कौन प्रेशराइज कर रहा है, एटमोस्फियर इस लिक्विड को नीचे, लिक्विड का सरफेस क्यों होता है, क्योंकि एटमोस्फियर उन मॉलिक्यूल्स को नीचे धक्का मारता है तो लिक्विड का आपको सरफेस नजर आता है, तो यहां पे एटमोस्फियर जो है वो उसको नीचे पुश कर रहा है, और यहां पे जो है जैसे ये गैसेस आई, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं रह गई लेकिन नाइट्रोजन और मॉइस्चर जो है वो ऊपर गए, वो जगह घेरेंगे, गैस जगह घेरती है, तो जैसे यहां गैस बनने लगेगी नाइट्रोजन और मॉइस्चर, ये नाइट्रोजन जो है मेनली नाइट्रोजन होगा, बहुत थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो वो उसको ना लिक्विड को नीचे पुश करना शुरू कर देगा, तो इसको हम कहते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, द गैस गेट्स कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड, उसको नीचे की तरफ पुश करने लग जाता है। तो जैसे जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीचे पुश होता जाएगा, वो यहां तो जा नहीं सकता क्योंकि हमने मर्कुरी सील लगा रखी है, उसे हम वापस नहीं डाल सकते, तो वो जो है वो इस सॉल्यूशन में जाएगा और यहां पे जाके इसका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे पुश कर रहा है, याद है आपको, और यहां पे नाइट्रोजन और मॉइस्चर का प्रेशर इसको इस तरफ से पुश कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपको यहां पे नाइट्रोजन जितनी भी बनी, पूरा सैंपल जब जल गया उसके बाद जितनी भी नाइट्रोजन बनी वो आपको यहां पे नाइट्रोमीटर में कलेक्ट हो जाएगी। अब आप देखोगे कुछ देर के बाद जो है ये लेवल जो है ये नीचे नहीं जा रहा, ये स्टेबल हो गया, अगर ये स्टेबल हो गया मतलब अब और नाइट्रोजन नहीं बन रही, जो भी बनी आपने इसके अंदर ट्रैप कर ली, वो हमारा एम था। अब हम नाइट्रोजन क्योंकि वो गैस है, हम उसके मास को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, हमने प्रैक्टिकली क्या किया, हमने उसकी वॉल्यूम डिटरमिन कर ली कि इसकी वॉल्यूम जो है वो इतनी है, ठीक है, और वॉल्यूम एंड प्रेशर हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन जो हमारे लिए हमारे साथ बनी उसका हमने वॉल्यूम डिटरमिन कर लिया, राइट।
और यही एम था हमारा डूमर्स मेथड में कि कैसे हम पहले नाइट्रोजन तक पहुंचते हैं, कि नाइट्रोजन को हम कैसे मेजर करेंगे। हमने वॉल्यूम मेजर कर ली, अब हम वॉल्यूम से उसका मास मेजर करेंगे, मास से हम उसकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब जो ऑक्साइड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे ये कॉपर ऑक्साइड के साथ, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने इतनी ही कॉपर 2x+y/2 गिन के कॉपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अंदर डाले थे, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे तो पूरे एपरेटस में कॉपर ऑक्साइड हमने एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो कुछ कॉपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो उससे नाइट्रोजन की कुछ ऑक्साइड्स बन जाती हैं, बहुत कम बनती हैं पर बन जाती हैं। लेकिन हमें यहां पे प्योर नाइट्रोजन चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनती हैं उनको, नाइट्रोजन को उसके एक जो हीटेड कॉपर गॉज है, ये जो कॉपर गॉज है उसके ऊपर से उसको पास करते हैं। तो ये जो हीटेड कॉपर गॉज है ये वापस कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लेके, और प्योर नाइट्रोजन फिर इस एपरेटस में से बाहर जाएगी। इसका मतलब हम कोई चांस नहीं छोड़ते कि नाइट्रोजन प्योर हमें ना मिले, उसके लिए हम इतना सारा कॉपर यूज करते हैं। और जो कॉपर ऑक्साइड ने अगर बाय चांस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया, जो उसने पिक कर लिया और ऑक्साइड बना दिया, वो अपने उस ऑक्सीजन को ऑक्साइड में से फिर से लूज कर देगा रिड्यूस्ड कॉपर गॉज के आगे, या कॉपर गॉज के आगे। और जो कॉपर गॉज है ये रिड्यूस्ड, ये अपने आप थोड़ी बहुत जो ट्रेसेस होंगे तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बट उसका हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो निकल के हमने नाइट्रोजन कलेक्ट कर लिया। अब जब नाइट्रोजन कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस मेथड के जो मैथमेटिक्स के लिए मैं इस साइड को वाइप ऑफ कर देती हूं और फिर मैं आपको समझाती हूं, मुझे एक मिनट दीजिए। तो अब हम आते हैं मैथमेटिकल पार्ट में, कि हमें क्या पता है कि लेट अस अज्यूम, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो m ग्राम्स आपने लिया था। अब हमें अब तक क्या पता है और कैसे हम उनको रिलेट कर सकते हैं, हमने क्या कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट की है, वॉल्यूम कंपाउंड की, दैट इज नॉट कंपाउंड, हमने वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस की है। हमें उस वॉल्यूम से मास पता करना है और उस मास से मास परसेंटेज पता करनी है नाइट्रोजन की उस कंपाउंड में। तो उसके लिए हमें, हमारे पास ऑलरेडी क्या नॉलेज है, हमारे पास ये नॉलेज है कि 22.4 लीटर्स किसी भी गैस का जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में उसका मास जो है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। तो इसका मतलब 22400 mL ऑफ नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में उसका वेट कितना होगा, विल वे 28 grams। हमें ये पता है कि 22400 mL नाइट्रोजन STP पे उसका वेट कितना होगा, 28 grams होगा। ठीक है, अब हमने जो m इज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था वो m है। अब आ जाओ आप वॉल्यूम, नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम कलेक्ट की हमें, वो एज्यूम करो कि वो कितनी है, लेट अस एज्यूम कि जो हमने वॉल्यूम नाइट्रोजन की कलेक्ट की वो V1 है, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो थे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस नहीं थे। प्रेशर जरूर एटमोस्फेरिक प्रेशर था जो उसे पुश डाउन कर रहा था दूसरी तरफ, जो हमने उसमें लिया था वेसल में, लेकिन रूम टेम्परेचर और वो सब डिफरेंट था, तो इसलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस नहीं थे। लेट अस अज्यूम कि V1 वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, T1 जो है टेम्परेचर था जिसपे ये रिएक्शन हुआ और जिसपे हमने वो गैस को कलेक्ट किया, टेम्परेचर जिसपे हमने गैस कलेक्ट की हुई है। तो इससे हम वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन की, हमें V1 वॉल्यूम मिली है, लेकिन हमें वॉल्यूम पता करनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में। हमें पता है गैस लॉ से कि P1V1 upon T1 इज इक्वल टू P2V2 upon T2। ये इक्वेशन तो हमें मालूम है ना, मान लो कि ये हमारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं। एट एसटीपी टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg इज द प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस द प्रेशर इज 760 mmHg। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो प्रेशर हमें P1 मिलता है ये एक्चुअली वो प्रेशर नहीं है जो आप उसमें कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जब भी आप किसी लिक्विड को किसी
किसी गैस को किसी लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करते हो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, उसमें कुछ मॉइस्चर जरूर होता है क्योंकि वो लिक्विड में जो वाटर होगा वो उसमें जरूर होगा. नॉर्मली हम एक्वस सॉल्यूशंस में ही के ऊपर ही वाटर के ऊपर ही कलेक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन में तो वैसे भी मॉइस्चर बना था, वाटर वेपर बना था, तो इसलिए आपको उस कॉलम में सिर्फ नाइट्रोजन नहीं मिलेगी. नाइट्रोजन वॉल्यूम तो फिक्स्ड है कि एग्जैक्ट इतनी वॉल्यूम है नाइट्रोजन की, लेकिन उस एरिया में प्रेशर जो है वो वाटर वेपर का भी है और नाइट्रोजन का भी है. तो इसलिए P1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? P1 कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन में टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा. उस वाटर वेपर के प्रेशर को जो इस तरह से लिक्विड के ऊपर से गैस को कलेक्ट करने पे मिलता है, उस वाटर वेपर के प्रेशर को एक्वस टेंशन बोला जाता है, कि टेंशन या प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? वाटर वेपर, जो उस प्योर गैस का नहीं है, एडिशनल है. और डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक ऑफ पार्शियल प्रेशर्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो अगर आपके पास अलग अलग गैसेस हैं, सम ऑफ गैसेस हैं, तो हर कोई गैस अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी. एक ही जगह पे आपके पास एक से ज्यादा गैसेस हैं तो हर गैस अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी. तो इसलिए आप P1 कैसे कैलकुलेट करोगे? P1 एंड V1 प्रेशर है नाइट्रोजन और प्रेशर और वॉल्यूम है नाइट्रोजन के, लेकिन P1 कैसे कैलकुलेट होगा? P1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस तरफ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुश डाउन कर रहा है उस लिक्विड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, लेकिन कॉलम के अंदर आपके पास वो प्रेशर तो गैस का नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर का प्रेशर है. तो इसलिए P1 जो होगा उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसके इक्वल है माइनस एक्वस टेंशन. एक्वस टेंशन निकाल दोगे तो जो बचेगा वो प्रेशर होगा उस नाइट्रोजन गैस का. ठीक है, तो अब जो है हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे इसमें हम वैल्यू, अब हम मान लो कि ये V2 जो है इसको हम V मान लेते हैं. ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हमें 2 नहीं चाहिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट ये V1 और V अलग है, इसलिए हमें पता है कि ये V जो है वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, और हमारा एम यही है कि हमें नाइट्रोजन की वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करनी है. जो हमें मिली है वो नहीं, तो जो हमें मिली है वो तो V1 है, लेकिन हमें V कैलकुलेट करना है. V हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस इक्वेशन से. तो V क्या हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू P1V1 अपॉन T1 इनटू T2 अपॉन P2. ठीक है ना? और T2 अपॉन P2 क्या होगा? इसका मतलब P1V1 अपॉन T1 इनटू T2 कितना है? T2 इज 273 केल्विन और P2 कितना है? 760 मिलीमीटर मर्करी. इसमें यूनिट्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी रेशियोज हैं, दोनों चीजें दो दो बार, हर चीज दो दो बार आई है तो वो वैसे ही यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे. तो इसलिए P1V1 अपॉन T1 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू T1, और ये किसके इक्वल है? ये VML इसकी वॉल्यूम है, हमें ये पता चल गया. अब हमें क्या पता है कि VML जो वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस हुई है नाइट्रोजन की STP पे जो होती है. अगर यही नाइट्रोजन जो हमने कलेक्ट किया ये STP पे होता तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती? इसकी वॉल्यूम VML होती. और हमें पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे उसका मास कितना होता है? 28 ग्राम्स. अब हम इस वॉल्यूम से जो हमें नई वॉल्यूम मिली है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, उससे हम मास कैलकुलेट कर लेंगे नाइट्रोजन का जो प्रोड्यूस हुआ. तो हम कहेंगे कि 224 मिलीलीटर्स में बात कर रहे हैं, तो इसलिए 22400 मिलीलीटर्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP का वेट कितना होता है? 28 ग्राम्स. ठीक है, तो 1 मिलीलीटर का कितना होगा? 1 मिलीलीटर का अपॉन 22400 हो जाएगा, और हमारे पास है कितना? VML. VML का कितना होगा? इंटू VML. अगर इसे VML लिखती इसे VML लिखती तो दोनों कैंसिल हो जाते, इसलिए मैं यहां पे यूनिट्स अवॉइड कर सकती हूं, है ना? तो 28 अपॉन 22400 इंटू V, ये हमें पता क्या चल गया? 28 क्या है? ये ग्राम्स में आपको इतने ग्राम्स मास था जो आपको नाइट्रोजन मिला, उसका आपने मास कैलकुलेट कर लिया कि मास कितना है? 28 अपॉन 22400 इंटू V ग्राम्स इज द मास ऑफ नाइट्रोजन
produced by reacting m grams of the compound. m grams compound को react करके आपको nitrogen कितना मिला? आपको 28 upon 2 to 4 into v grams nitrogen मिला. तो हम कहेंगे इसका मतलब अब हमें हमें मास पता चल गया. अब इससे हमें मास परसेंटेज निकालनी है. तो हम क्या कहेंगे कि भाई m grams compound जो है उसमें नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट था? उसमें नाइट्रोजन 28 अपॉन 22400 मास ऑफ नाइट्रोजन कितना था? 22400 इनटू v ग्राम्स नाइट्रोजन था. अगर एक ग्राम होता कंपाउंड तो उसमें मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता? इसको डिवाइड कर दोगे आप m से, ठीक है. अगर ये मास था m ग्राम्स का, अगर एक ग्राम होगा तो आपको कितना मास होगा? डिवाइड कर दो m से, जितने भी ग्राम है उसको डिवाइड कर दो. एक ग्राम में कितना नाइट्रोजन है पता चल गया. और 100 ग्राम्स में कितना होगा फिर? इसको इनटू 100 कर दो. जैसे इसे इनटू 100 किया, ये आपकी मास परसेंटेज बन गई, है ना. ये आपको परसेंटेज मिल गई भाई मास की. 100 ग्राम्स अगर आपका कंपाउंड था तो उसमें कितने ग्राम नाइट्रोजन है? तो मास पर 100 इज परसेंट. तो आपको मास परसेंटेज नाइट्रोजन की मालूम चल गई. ये देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 28 इनटू v इनटू 100 अपॉन 22400 इनटू m. वो यही है, राइट. अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे, जिससे आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एक मिनट दीजिए मुझे. ऑलराइट, तो अब ये क्वेश्चन 12.21 है, आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, और ये आपको हेल्प करेगा इसको ड्यूमास मेथड को और अच्छे से समझने में, स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट को. मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में 0.3 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दिया है, गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, ने कितना नाइट्रोजन दिया? आपको वॉल्यूम बता दिया कि 50 मिलीलीटर नाइट्रोजन दिया, जो कलेक्ट किया गया 300 केल्विन टेम्परेचर पे और 715 मिलीमीटर प्रेशर पे. अब 300 केल्विन और 715 मिलीमीटर प्रेशर जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस नहीं है, ठीक है. अब यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड. आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है. एक टेंशन आपको दे दी गई है. हमें क्या क्या पता है? हम पहले तो हमें दिया क्या क्या है. हमें दिया है मास. मास कितना है कंपाउंड का? 0.3 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है. फिर हमें और क्या दिया है? V1 दिया है. V1 कितनी है? 50 मिलीलीटर्स है. ऑफ नाइट्रोजन इज कलेक्टेड एट T1 दिया है आपको, जो 300 केल्विन है, ठीक है. और प्रेशर जो है P1 हमें कैलकुलेट करना है. हमें क्या बताया कि 715 मिलीमीटर प्रेशर है, लेकिन हमें पता है कि प्रेशर जो है उसमें पानी का प्रेशर भी है, एक्वस टेंशन भी है. तो हमें हमेशा प्रेशर P1 कैलकुलेट करने के लिए 715 में से एक्वस टेंशन निकालनी पड़ेगी, और एक्वस टेंशन कितनी है? 15 मिलीमीटर mm प्रेशर. सो mm मर्करी, 15 mm HG. तो हमें प्रेशर P1 कितना मिला? 700 mm HG हमारा प्रेशर है, ठीक है. अब आपको कैलकुलेट करना है एक्वस टेंशन, बस 15 जो हमने पहले ही डाल के कैलकुलेट कर लिया कि भाई प्रेशर P1 कितना है. और एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? हमें ये पता है कि 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन N2 एट STP वेज इक्वल टू 28 ग्राम्स. हमें ये बात मालूम है कि 22400 मिलीलीटर नाइट्रोजन का मास STP पे कितना होता है? 28 ग्राम्स. तो हमें अब क्या करना है? हमें पता करना है वॉल्यूम, इस जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसकी वॉल्यूम 50 ml है, लेकिन वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे नहीं है. तो पहले हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, फिर उस वॉल्यूम से हम इसको रिलेट करके यूनिटरी मेथड से उसका मास निकालेंगे, और फिर उस मास से हम उसकी मास परसेंटेज निकालेंगे. ये स्टेप्स है, चलो करते हैं. पहला स्टेप, मैंने ये इक्वेशन यही रखी हुई है. अब पहले सबसे पहले कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP क्या होगी. वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज P1V1 अपॉन T1 इंटू 760 इंटू 273, ठीक है. और इन वैल्यूज को आप डाल दो. P1 क्या है? P1 आपके पास है 700 इंटू 2 V1 कितना है? V1 50 इंटू 273 अपॉन T1 कितना है? टेम्परेचर 300 केल्विन, ये 300
300 केल्विन और इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दो. यूनिट्स मैंने हटा दिए क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये वैसे ही एमएल में आएगा. ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे. तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है वॉल्यूम, 41.9 ml is the volume of nitrogen at STP. जो वॉल्यूम नाइट्रोजन जो बना उसका वॉल्यूम STP पे कितना होता, 41.9 मिलीलीटर होता. अब इसको यूज करके हमें मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली नॉलेज को यूज करेंगे कि 22.4 या 22400 मिलीलीटर नाइट्रोजन वेज 28 ग्राम्स, है ना. तो एक मिलीलीटर होता तो उसका वेट कितना होता, अपॉन 22400 होता. और अगर हमारे पास कितना है 41.9, अगर 41.9 है ml तो उसका मास कितना होगा, इसको इंटू 41.9 कर दो. ml ml कैंसिल हो जाएंगे, आपको मास ग्राम्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये है मास जो नाइट्रोजन का है उस कंपाउंड में. ये मास आपको कहां से, इतनी वॉल्यूम का मास इतना है, इतनी वॉल्यूम किससे बनी थी, m ग्राम कंपाउंड को रिएक्ट करने से. तो इसका मतलब m ग्राम कंपाउंड में नाइट्रोजन कितनी थी, इतनी. सो द नाइट्रोजन इन m ग्राम्स इन m ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड, नाइट्रोजन मास ऑफ नाइट्रोजन वॉज इक्वल टू 28 अपॉन 22400 इंटू 41.9 ग्राम्स. ठीक है, ये एम ग्राम्स में थी. अगर एक ग्राम में होता तो कितना होता, डिवाइडेड. और एम कितना है, एम का मास कितना, एम की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3. तो आप बोलोगे इन 0.3 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड द मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस इज दिस मच. सो इन 1 ग्राम इट विल बी divided by 0.3 and in 100 grams how much would it be, in 100 grams it will be multiplied by 100. जैसे ही आपको पता चल गया कि 100 grams में नाइट्रोजन का मास कितना होगा, आपको परसेंट पर 100, परसेंट मींस पर 100, आपको मास परसेंटेज पता चल गई. राइट, सो दिस विल बी द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड. तो आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन के कंपाउंड में कैलकुलेट कर ली. तो इसी के साथ अब मैं ये वीडियो रैप अप करती हूँ. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. अब मैं एक सेकंड के लिए यहाँ साइड पे हो जाती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें. थैंक यू, बाय बाय.